अगर मैं हिजाब पहन के बैठती हूँ असेंबली में, मुझे नहीं रोक सकते ये लोग, तो बच्चों को रोकने का कोई मतलब ही नहीं है ना। अब नया शुरू करें ये लोग। एक जगह ये नारा देती है कि बेटी पढ़ो बेटी बचाओ, ये बेटी पढ़ाने का स्लोगन है, मगर उनसे कहना चाहता हूँ कि वो बेटी पढ़ेंगी भी बढ़ेंगी भी और तुम्हें पढ़ाएंगी भी। लड़की का स्कार्फ ये उसकी इज्जत है, इज्जत उतार के एजुकेशन लेना, ये कौन सा गवर्नमेंट उसको प्रमोट करता है। 8 तारीख को कोर्ट में इसका जजमेंट है, उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद है पूरी कि हमारे हक में आएगा वो, अगर नहीं है बोले तो हम जो यहाँ पे जमा हुए हैं पूरे रोडों पे निकलेंगे हम लोग। हिजाब जो है हमारा राइट है, हमारा प्रोटेक्शन है, ये हिजाब, ये हमारी इज्जत, ये हमारी आबरू करता है। हिजाब इज आवर राइट, हिजाब इज अवर प्राइड, हिजाब इज अवर डिग्निटी। उडुपी हिजाब इशू पर हुई गुलबेगा शहर के अंदर बड़ी प्रोटेस्ट, एमएलए मैडम कनीस फातिमा साहिबा और कई सारे दिग्गज लोगों ने इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया और एमएलए मैडम कनीस फातिमा साहिबा ने कहा कि जब मैं हिजाब पहन सकती हूँ तो सभी स्टूडेंट पहन सकते हैं और इसे कोई बड़ी इशू बनाना नहीं चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि 8 तारीख को कोर्ट का ऑर्डर आने वाला है और उसके बाद काफ़ी बड़ी प्रोटेस्ट करेंगे अगर सरकार हमारी मांगें नहीं मानती है तो। कई सारे लेडीज और स्टूडेंट्स इस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल थे और सीनियर कांग्रेस लीडर्स ने भी इस प्रोटेस्ट अपना साथ दिया। ये प्रोटेस्ट हुई डीसी ऑफिस के बाहर। हिजाब इज अवर रेस्पेक्ट, हिजाब इज अवर ऑनर रही इस प्रोटेस्ट की थीम। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, यूनाइटेड हॉस्पिटल, केबीएन यूनिवर्सिटी, सूरत खजाना, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, चुलबुल फर्नीचर, इजी बाय एट ऑर्किड मॉल एंड बाय एसआर कॉन्टिनेंटल होटल। आज हम लोग यहाँ पर डीसी ऑफिस में जमा हुए हैं, काफी तादाद में लोग जमा हुए एक आवाज पे। कल शाम से हम लोग डिसाइड किए थे कल शाम में के जमा होकर यहाँ पर स्ट्राइक करना है, तो काफ़ी लोग एक ही आवाज़ में यहाँ पर जमा हुए। मैं तमाम का शुक्रिया भी अदा करती हूँ और हम लोगों ने ये मेमोरेंडम दिया है जो कोंडापुर में और उडुपी में जो चल रहा है हिजाब के ख़िलाफ़, उसके लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं और बड़ा प्रोटेस्ट किए हैं। इंशाल्लाह ताला ये आवाज़ में हम लोग असेंबली में भी उठाएंगे और तनवीर सेठ ने एक मेमोरेंडम सीएम को भी दिया है। इंशाल्लाह ताला ये लड़ाई हम जहाँ तक है हम लड़कर ही इसको जीत लेंगे। कल आप एक ट्वीट किए थे विधानसभा में, हमारे को रोक नहीं सकते स्कूल में। हाँ सही है, अगर मैं हिजाब पहन के बैठती हूँ असेंबली में मुझे नहीं रोक सकते ये लोग, तो बच्चों को रोकने का कोई मतलब ही नहीं है ना। अब नया शुरू करें ये लोग, जमाने से पहन रहे बुरखे पहन रहे हिजाब पहन रहे, उसके बाद अब आगे पूरा गुजर गया फिर वो हमारे को कोई एतराज़ नहीं है, पहनने दे, उन लोगों का लिबास है वो तो पहनने दे उन लोगों को, हमारे को हमारा हक मिला हमको बस है। आप लोग देख रहे हैं जब से मैं असेंबली में हिजाब के साथ ही मैं असेंबली में जाती हूँ, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग ज़ाफ़रान कलर डालो या ब्लैक कलर डालो, मेरे को कोई एतराज़, हम सबको कोई एतराज़ नहीं है। हमारा हक जो है हमारा बुरखा पहनने का है, जो हिजाब पहनने का है, आप उसको नहीं रोक सकते क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसमें हर एक को हक है, अपनी आज़ादी का हक है, जो चाहे पहन सकते हैं। आप देखिए कॉन्वेंट में देखिए, आप जो बच्चा पैंट पहनना चाहते हैं, ये लोग का तो कल्चर है, क्रिश्चियंस है वो लोग, उन लोगों का कल्चर है स्कर्ट्स पहनने का। अगर मुस्लिम बच्चे ये चाहते हैं कि शलवार या पैंट पहन के जाना चाहते तो वो लोग अलाउ करते हैं कॉन्वेंट में भी, तो ये तो हिजाब रोकने का कोई वो नहीं है यार। असेंबली में भी मैडम अगर इसी तरह स्टूडेंट्स को रोका गया क्योंकि कुछ कॉलेजेस में एग्जाम्स भी है तो 8 तारीख को कोर्ट में इसका जजमेंट है, उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम कोई उम्मीद है पूरी कि हमारे हक में आएगा वो, अगर नहीं है बोले तो हम जो यहाँ पे जमा हुए हैं पूरे रोडों पे निकलेंगे हम लोग, रोडों पे निकल के हम लोग स्ट्राइक करेंगे और जहाँ तक हम जो है इंशाल्लाह ताला ये जो हम जीतेंगे। कल सिद्धरमैया का बयान आया है उसके बाद क्या ये प्रोटेस्ट रैली निकालेंगे? एक महीने से कांग्रेस कहाँ थी? उससे पहले भी दिए हैं सब लोग इंटरव्यू। सिद्धरमैया का कल ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया है, उसके बाद रैली सामने, ये रैली क्या कांग्रेस की है या बेगम खमरुल इस्लाम की है? सब हम सब मिलकर निकाले हैं। बीजेपी का कर्नाटका में फेल्यूर को छुपाने के लिए कर्नाटका के एटमॉस्फियर को कम्युनलाइज किया जा रहा है, पोलराइज किया जा रहा है, पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, ये सिर्फ अपने कमजोरियों को फेल्यूर को छुपाने के लिए। मगर कर्नाटका की अवाम जनता ये समझ चुकी है कि यह बीजेपी जो पिछले कई दिनों से उडुपी में, चिकमंगलूर में, शिमोगा में एक जगह यह नारा देती है कि बेटी पढ़ो बेटी बचाओ और दूसरी जगह जब बेटी पढ़ने के लिए जाती है तो उसे गेट पर रोककर उसे जलील किया जाता है,
मेंटली टॉर्चर किया जाता है, हरास किया जाता है और वार्न किया जाता है कि तुम्हें एग्जाम में अपीयर होने नहीं देंगे, तुम्हारे ऊपर एफआईआर करेंगे। ये बेटी पढ़ाने का ये बेटी पढ़ाने का स्लोगन है, मगर उनसे कहना चाहता हूँ कि वो बेटी पढ़ेंगी भी, बढ़ेंगी भी और तुम्हें पढ़ाएंगी भी आने वाले दिनों में। हम यहाँ से गुलबर्गा से आज मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा एमएलए गुलबर्गा नॉर्थ ने गुलबर्गा से एक मैसेज दिया है कि सिर्फ उड़पी चिकमंगलूर शिमोगा में वो लड़कियां जो लड़ रही हैं हिजाब के लिए, वो सिर्फ अकेले नहीं हैं, तनहा नहीं हैं। गुलबर्गा नॉर्थ की एमएलए उनके साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के सीएलपी लीडर सिद्धरामैया साहब उनके साथ हैं। इस मसले को आज एक प्रोटेस्ट से ख़त्म नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे असेंबली में भी उठाया जाएगा और बीजेपी की ये घिरौनी हरकत को पब्लिक के सामने एक्सपोज किया जाएगा। और ये चाहते हैं कि एजुकेशन से दूर हो जाए बच्चियां, तो ये कभी नहीं होने वाला है। और माहौल को जो कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे प्रिंसिपल के ऊपर शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। उसे हमारी बहनों को रोकने से पहले उसे अपनी बहन या फिर बेटी याद नहीं आई। लड़कर चीख कर 15 दिन से बाहर बैठकर पढ़ रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है और 15 दिन की अटेंडेंस तक उनकी नहीं डाली जा रही है, जबकि वो स्कूल अटेंड कर रहे हैं। मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा सीएम से भी मिलेंगी, दूसरे कांग्रेस के मुस्लिम लीडर्स के साथ, मुस्लिम एमएलए के साथ, और साथ ही साथ होम मिनिस्टर से मिलेंगे, एजुकेशन मिनिस्टर से भी मिलेंगी। और अगर वक्त मिलता है तो गुलबर्गा नॉर्थ से हमारे एमएलए मैडम उड़पी जाकर, चिकमंगलूर जाकर, शिमोगा जाकर जो बच्चियां लड़ रही हैं उनके साथ वहां पर भी खड़े होकर लड़ेंगी, असेंबली में भी लड़ेंगी और असेंबली के बाहर भी लड़ेंगी। और ये प्रोटेस्ट यहां से शुरुआत हुआ है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आज से शुरुआत हुई है, इस बात की शुरुआत हुई है कि हिजाब इज़ अवर राइट, हिजाब इज़ अवर प्राइड, हिजाब इज अवर डिग्निटी। हिजाब 70 साल पहले से ही हिजाब पहनकर कॉलेज में आना है, अलाउड है। ये सैफरन एक साजिश है आरएसएस की, बीजेपी की, क्योंकि मुसलमान को इस्लामिक फोबिया बताया जा रहा है, मुसलमान लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है ताकि वो फ्यूचर में जितना तेजी से वो बढ़ रहे हैं उन्हें फ्यूचर में कमजोर क्यों करने के लिए उन्हें ये साजिश की जा रही है। तो ये सरासर एक बीजेपी आरएसएस की साजिश है और इस साजिश को हम पूरी करने नहीं देंगे, क्योंकि जिस तरह से सिर्फ दो कॉलेजेस में हुआ है तो हमारी तादाद आप देख सकते हैं, अगर पूरे कॉलेजेस में हुआ तो कॉलेज बंद आंदोलन स्टार्ट करेंगे हम। हिजाब हमारे इस्लाम में बहुत जरूरी है और हम इस्लाम के बगैर नहीं रह, और इस्लाम हमारे लिए बहुत जरूरी है, हम हिजाब के बगैर नहीं रह सकते, और औरतों के लिए हिजाब बहुत जरूरी है इस्लाम में। ये जो हो रहा है, हम मुसलमान के ऊपर जो हिजाब के लिए जो अत्याचार हो रहा है, ये बहुत गलत है। जब इतने साल से जब हम लोग हमारे देश के लिए, आज़ादी के लिए बहुत सारे लोग लड़े, झगड़े, यहाँ तक कि अपनी जान तक गवाए अपने देश के लिए, आज जब इतनी मुश्किल से जब हमें आज़ादी मिली है तो हमें आज़ादी से जीने के लिए दे रहे क्यों नहीं, क्या मुश्किल है? जब इतने साल से जब हम जी रहे हैं, जब हमारे कोई आज तक इतने सालों से बहुत सारे पार्टियां हैं, जब आज तक कोई रोके नहीं हमें हिजाब के लिए होंदे, चाहे नमाज के लिए होंदे, चाहे बुरके के लिए होंदे, तो आज क्यों ये आ गया ये सवाल के हिजाब नहीं पहनना जो उड़पी में हो रहा है, जो बच्चियों के क्यों एग्ज़ाम देना हर किसी का हक है भाई, क्यों नहीं दे सकते? ये दिस इज़ ऑल कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म के लिए जब हमारे बहुत बाबा साहेब अम्बेडकर हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, अबू कलाम आज़ाद है, ऐसे बहुत सारे मुस्लिम रूलर्स भी हैं जो फाइट करें इंडिपेंडेंस के लिए, तो क्या हमारा हक नहीं है हम ये आज़ादी से जीने के लिए? ऑल लेडीज, जेंट्स, एवरीबडी, ऑल मुस्लिम, वी आर ऑल यूनाइटेड हियर, ऑल मुस्लिम, देर इज नेवर द फियर, द कोई हिंदू मुस्लिम यहाँ पे कोई हैच नहीं, हम कभी महसूस ही नहीं करें कि हम हिंदू मुस्लिम है, बल्कि वी आर ऑल यूनाइटेड, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि हम हिंदू है, जब हम लोग एक साथ जब कोई वर्क करने के लिए जाते, एज अ वर्किंग वुमेन वी ऑल वर्क टुगेदर। इवत्तु नावु नम्म उत्तरद एमएलए आगतिरतक्कंत कनीज फातिमा अवर ओंदु नेतृत्वदल्लि इवत्तु डीसी आफीसिन मुंदुगडे नावु ओंदु होराटवन्नु माड्ता इद्देवे। इवत्तु बीजेपि सरकार केंद्रदल्लिरतक्कंत सरकार एल्ल धर्मीयर ಎಲ್ಲ ಜನರ ಒಂದು ಹಕ್ಕು, ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರ ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿದೆ. ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಕೆಣಕ್ತಕ್ಕಂಥ
ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನು ಅವರ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚ್ಯುತಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ಆಜ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ನಾರ್ತ್ ಕೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಮೇಡಮ್ ಕನೀಜ್ ಫಾತಿಮಾ ಜಿ ಕೆ ಸದಾರತ್ ಮೇ ಆಜ್ ಯಾ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಕೆ ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸ್ ಪರ್ ಪಹುಂಚ ಕರ್ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಏಕ್ ಎಹ್ತಿಜಾಜ್ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ ಔರ್ ಯೇ ಎಹ್ತಿಜಾಜ್ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಮಕ್ಸದ್ ಯೇ ಹೈ ಕಿ ಜಿಸ್ ತರೀಕೆ ಸೆ ಉಡುಪಿ ಶಹರ್ ಕಾ ಜೋ ಕುಂದಾಪುರ್ ವಿಲೆ ಕುಂದಾಪುರ್ ಮೇ ಜಿಸ್ ತರೀಕೆ ಸೆ ಹಮಾರೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಬಹನೋ ಪರ್ ಜೋ ಹಿಜಾಬ್ ಕೋ ಲೇಕರ್ ಜಿಸ್ ಅಂದಾಜ್ ಸೆ ಉನ್ ಲೋಗ್ ನೇ ಉನ್ ಬಚ್ಚಿಯೋ ಪರ್ ಜೋ ರೋಕ್ ಲಗಾಯಿ ಹೈ ಉಸ್ ರೋಕ್ ಕೋ ಖಿಲಾಫ್ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಎಹ್ತಿಜಾಜ್ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ. ಯೇ ಜಾಲಿಮ್ ಹುಕೂಮತ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನೇ ಜಿಸ್ ತರೀಕೆ ಸೆ ಜೋ 7 ಸಾಲ್ ಮೇ ಜೋ ಇಸ್ ಮುಲ್ಕ್ ಮೇ ಜೋ ಸರ್ಕಾರ ಆಯಿ ಹೈ ಜಬ್ ಸೆ ಲೇಕರ್ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಭೇದಭಾವ ಪರ್ ವೋ ಲೋಗ್ ರಾಜನೀತಿ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ ಹಮ್ ಇಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕೆ ಜರಿಯೆ ಸೆ ಇಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೋ ಧಿಕ್ಕಾರ್ ಕರ್ತೇ ಹೈ. ಇಂಡಿಯಾ ಕೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ವೋ ಉನ್ಕಾ ರೈಟ್ ಹೈ ಔರ್ ಹಿಜಾಬ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಹಮ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೋ ಎಪಿಸೆಂಟರ್ ನಾ ಬನಾಯೆ ಲಡಕಿಯೋ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಸೆ ಹಮೇ ವೋ ಸ್ಲೋಗನ್ ಆತಾ ಹೈ ಕಿ ಬೇಟಿ ಬಚಾವ್ ಬೇಟಿ ಬಚಾವ್ ಬೇಟಿ ಪಢಾವ್. ಅಬ್ ಅಗರ್ ಸಿ ಬೇಟಿ ಕಿ ಇಜ್ಜತ್ ಉತಾರ ಕೆ ಪಢಾನಾ ಯೇ ಕೌನ್ ಸಾ ಇನ್ಸಾಫ್ ಹೈ. ಲಡಕಿ ಕಾ ಸ್ಕಾಫ್ ಯೇ ಉಸ್ಕಿ ಇಜ್ಜತ್ ಹೈ ಔರ್ ಯೇ ಮೈಥಾಲಜಿ 1947 ಸೆ ಪಹಲೆ ಸೆ ಆತಿ ಆ ರಹಿ ಹೈ. ಅಭಿ ಹಮ್ ಯೇ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಪರ್ ಸಾಫ್ರನ್ ಕಲರ್ ಕಾ ಶಾಲ್ ಔರ್ ಹಿಜಾಬ್ ಕೆ ಉಪರ್ ಹಮ್ ಇಸ್ಕೋ ಎಪಿಸೆಂಟರ್ ಬನಾ ಕೆ ಹಮ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೋ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಹೀ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ. ಸಾರಿ ಕಂಟ್ರಿ ಮೇ ಎಜುಕೇಶನ್ ಏಕ್ ವಾಹಿದ್ ಚೀಜ್ ಹೈ ಜೋ ಏಕ್ ಲಡಕಿ ಕೋ ಉಸ್ಕಾ ಕ್ರೌನ್ ದೇತಿ ಹೈ ಔರ್ ಯೇ ಕ್ರೌನ್ ಉತಾರ್ ಕರ್ ಇಜ್ಜತ್ ಉತಾರ್ ಕೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೇನಾ ಯೇ ಕೌನ್ ಸಾ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಉಸ್ಕೋ ಪ್ರಮೋಟ್ ಕರ್ತಾ ಹೈ. ಜೋ ಸೈಯದ್ ಬಾರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಚಲಾ ರಹೇ ಹೈ ಹಮಾರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾ ಪೂರೆ ದುನಿಯಾ ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಕೆ ಕಂಟ್ರಿ ಮೇ ಯೇ ಹಮ್ ಯಹೀ ಪ್ರಮೋಟ್ ಕರೆಂಗೇ ಕಿ ಏಕ್ ಲಡಕಿ ಕೋ ಉಸ್ಕೆ ಹಿಜಾಬ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಉಸ್ಕಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅವೇಲ್ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೇ. ಆಜ್ ಕಿ ಡೇಟ್ ಮೇ ಕಿತ್ನೆ ಸಾರೆ ಲಡಕಿಯಾ ಹಿಜಾಬ್ ಪಹನ್ ಕರ್ ಮಾರ್ಸ್ ಮೇ ಜಾತಿ ಹೈ ಮಾರ್ಸ್ ಸೆ ಆನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಆಸಮಾನ್ ಮೇ ಜಾತೆ ಹೈ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬನ್ತೆ ಹೈ ಹಿಜಾಬ್ ಪಹನ್ ಕರ್. ಜಬ್ ಲಡಕಿ ವಾಪಿಸ್ ಆತಿ ತೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಉಸ್ಕಿ ಆರತಿ ಉತಾರತೆ ತಬ್ ಕೋಯಿ ನಹೀ ಕಹತಾ ಕಿ ಹಿಜಾಬ್ ನಿಕಾಲ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ. ಯೇ ಏಕ್ ಹಿಜಾಬ್ ಏಕ್ ಲಡಕಿ ಕಿ ಇಜ್ಜತ್ ಹೈ ಔರ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಲ್ಚರ್ ಮೇ ಹಿಜಾಬ್ ಉಸ್ಕಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಸ್ಕಿ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಉಸ್ಕಾ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹೈ. ಯೇ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಉತಾರ ಕರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹಾಸಿಲ್ ಕರ್ನಾ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಕೌನ್ ಸಾ ಭಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಉಸ್ಕೋ ಪ್ರಮೋಟ್ ನಹೀ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೇ. जिस तरह कितने 70 साल से शायद पहले कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, अगर लिखना चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा जाता ना कि हिजाब करके कॉलेज में नहीं आना चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा गया. मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, लॉ पढ़ती हूँ. आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या कहता है? क्या इक्वालिटी हो रही है? हुकूमत को शर्म आना चाहिए. क्या कर रही है हुआ हुकूमत हमारी? कहाँ है बम्बई साहब? जबान को ताला लगा के बैठे हैं. क्या हमें ही खोलना चाहिए ताला भी? लड़कियां कॉलेज के बाहर धरना दे रही हैं, किसी की जुबान तक नहीं खुल रही है. गुलबर्गा एक ऐसा वाहिद शहर है जहां हमेशा कभी भी अगर कोई किसी पूरे कर्नाटक में अगर जुल्म होता है तो सबसे पहले गुलबर्गा से आवाज उठाई जाती है. मैडम का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इंडिपेंडेंट होकर इस प्रोटेस्ट को मुनाकिद किया. हमने 3-4 बार अपने ऑर्गेनाइजेशन ईगल्स यूथ क्लब के तहत हमने 3-4 बार रैली के लिए परमिशन ली, लेकिन हमें नहीं दिया गया क्योंकि इन्हें डर है कि ये स्टूडेंट ही है जो इनको तोड़ सकता है. आज का जो प्रोटेस्ट हिजाब के फेवर में रखा गया था, एंटी हिजाब के खिलाफ में, क्योंकि आज दिन पे दिन कर्नाटका स्टेट में भी बीजेपी आरएसएस अपने पैर फैलाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है. बीजेपी जो वादा करके इख्तदार में आई थी सबका साथ सबका विकास बोल के, आज कम से कम 7-8 साल का अरसा होने को आया, वो लोग जो है ना कोई विकास की बात करें, ना कोई डेवलपमेंट्स की बात करें, ना इस तरीके से अपने खुद साख्ता ऑर्डर्स को मुनसब करना, ऑर्डर को जो है ना इंप्लीमेंट करना, ये टोटली तौर पे गैर जमहूरी तरीका है. दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, यूनाइटेड हॉस्पिटल, केबीएन यूनिवर्सिटी, सूरत खजाना, शाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, चुलबू फर्नीचर, इजी बाय एट ऑर्किड मॉल एंड बाय एसआर कॉन्टिनेंटल होटल.